तो क्लास टेंथ की एक ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके हर चैप्टर में, चाहे पीए हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे क्यों ना हम बोल दें बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, इतनी बार पूछी गई है, लेकिन अपन इसमें एक नंबर या आधे नंबर की गलती जरूर करते हैं कितनी भी बार अगर हम किसकी प्रैक्टिस कर लें। तो स्वागत है बेटा साइंस कंजुगेट में। आप देख रहे हैं क्लास टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें अपन बात करने वाले हैं रूट टू को हमें एक इरेशनल प्रूफ करना है, प्रूफ रूट टू इरेशनल। अब ये इरेशनल क्यों है इसकी कहानी अपन ने नाइन्थ में पढ़ी थी, क्योंकि इरेशनल नंबर कौन सी कैटेगरी में आते थे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि मैं वो एक नंबर आपका बचा सकता हूँ अगर ध्यान से समझोगे तो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आते थे, मतलब इसकी वैल्यू ना तो टर्मिनेट खत्म हो रही है और ना रिपीट कर रही है, इस वजह से इसको इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख दिया, वहाँ बोल दिया, वहाँ समझा दिया, लेकिन टेंथ क्लास में इसको प्रूफ करना है और प्रूफ भी दमादम करना है, इसमें एक और थ्योरम लगनी है, जब प्रूफ करते हैं तो एक और थ्योरम लगती है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल दो आप, लेकिन तरीके से समझो, क्योंकि गलती जो आपकी होती है वो गलती समझो। प्रूफ क्या करना है, इरेशनल वो क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्यूशन से अपन बात करते हैं, लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। इसके लिए जब भी हम इसको प्रूफ करेंगे उससे पहले हमें इसका उल्टा मानना पड़ेगा, मतलब ये रेशनल है तो हमें रेशनल नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, जानते हो रेशनल नंबर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q, और P और एंड Q क्या हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, ध्यान से समझना, लास्ट में बताऊंगा वो एक नंबर कहाँ कटता है आपका, P एंड Q आर। अब P एंड Q आर इंटीजर्स हैं, जैसे मान के चलो कोई भी एक रेशनल नंबर जैसे 30/15, इसको मैंने काट दिया, किसकी डायरेक्ट नहीं काटूंगा, पहले मैं 3 से काटूँ जैसे कि आपको थोड़ा शो करें, 3 से काटा 10/5, फिर मैंने 5 से काटा 2/1। अब ये क्या था भाई, रेशनल नंबर था, ये भी एक रेशनल नंबर, ऐसा नहीं, लेकिन मैं इस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म कब तक आ सकती है, कब तक आ सकती है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म जब तक आ सकती है जब तक ये कैंसिल आउट ना हो, मतलब ये 2 और 1 में ऐसी क्या रिश्तेदारी है कि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, सिंपल कि भैया इनके कॉमन कोई फैक्टर ही नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे, मतलब ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। तो मैं किसी भी रेशनल नंबर को कब तक कैंसिल आउट कर सकता हूँ, जब तक उसका को प्राइम फॉर्म ना आ जाए, ठीक है ना, कैंसिल आउट, डिड नॉट कैंसिल आउट वाली फॉर्म आ जाए, मतलब वो कटे ना आगे, तो इसकी कैंसिल आउट फॉर्म जो होती है वो 2/1, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो इसको कब तक काट सकता हूँ, a/b फॉर्म में, और a और b क्या है, जैसे मैंने बोला ना 30/15 को कैंसिल आउट किया 2/1 में, ऐसे मैंने p/q को कैंसिल आउट किया किसमें, a/b में, a/b में इसको कैंसिल आउट किया, जैसे 2/1 था वहाँ को प्राइम नंबर था, ऐसी a और b भी यहाँ क्या है, को प्राइम नंबर, a/b, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब क्या होते हैं को प्राइम नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली क्या हो, 1 हो, जैसे 2 और 1 का कॉमन फैक्टर ओनली 1 था, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब इसको बस सिंपलेस करना है, a की वैल्यू निकालते हैं, b को इधर ले जाते हैं, तो ए की वैल्यू आएगी a = इसको ना लिख करके, therefore a = ये गया v√2, कितना आया a = v√2, v इधर चला गया, a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ एक थ्योरम लगेगी, वो थ्योरम ये कहती है, थ्योरम 1.3, ये थ्योरम कहती है कि a अगर मैं यहाँ v को नीचे ले आऊँ तो a/v = √2 ही तो था पिछली फॉर्म, मतलब इसका मतलब ये है, नहीं a को मतलब रूट टू को लाओ, a/√2 = b, मतलब जो रूट टू है, जो रूट टू, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अपन, पहले स्क्वायर, तो a = v√2, अब क्या कर लेते हैं अपन, इसका स्क्वायर,
लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन वन, ठीक है ना। बोथ साइड्स लिख लेते हैं अपन, ये ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आया बेटा वी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू होता है, ओके। तो इसको फॉर्म होगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक बात समझो कि ए स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, टू को। देखो ना, ए स्क्वायर अपॉन टू आ सकता है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ सकता है। तो ए स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, टू को कर रहा है। बात समझ में आया? या मैं बोलूँ टू किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एक यहाँ पर थ्योरम है कि कोई प्राइम नंबर पी अगर किसी स्क्वायरिकल नंबर को डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर पी किसी स्क्वायरिकल नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे प्राइम नंबर पी है कोई, वो 25 को डिवाइड कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, तो वो किसको डिवाइड करेगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो वो किसको डिवाइड करेगा, 5 को करेगा। बस यही थ्योरम लगानी है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एज वी नो टू किसको डिवाइड कर रहा है, फटाफट से बताएंगे, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। गलती बच्चे यहाँ क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर डिवाइड टू, ऐसा नहीं। प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, ए को कर रहा है। बात समझ में आया? टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन तो टू डिवाइड किसको करेगा, उसके नंबर को, देन टू डिवाइड्स ए। यहाँ पी किसको डिवाइड कर रहा था, 25 को, तो पी किसको डिवाइड करेगा, 5 को। ऐसी टू डिवाइड किसको कर रहा है, ए स्क्वायर को, तो टू डिवाइड किसको कर रहा है, ए को। यहाँ फॉर्म क्या थी लिखने की, ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर, और यहाँ फॉर्म भी अपनी आएगी, मतलब यहाँ फॉर्म क्या थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो ऐसे ही यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू टू सी, सी एज सम इंटीजर। बात समझ में आया? मतलब ए की भी अलग इक्वेशन हो गई। अब इस पैटर्न की जो 4 से 5 6 लाइन दिख रही है, यही चैप्टर की, मतलब इस थ्योरम की, या मैं बोल दूँ पहला ही चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, यही चैप्टर में लगभग यही चीज़ें हैं। तो यही जो चैप्टर की लाइनें देख रही हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में अपन अटक जाते हैं। तो अपन ने क्या किया, ए की वैल्यू निकाल ली, फिर स्क्वायर किया, क्योंकि अपन को थ्योरम लगानी है। थ्योरम लगाने के बाद बेसिक फंडामेंटल कि कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को मतलब डिवाइड कर रहा है, ये टू नीचे आएगा, तो टू किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को, तो टू किसको डिवाइड करेगा, ए को। अब ए की अपनी इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन ना वन बोल करके, मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ। चलो इसको इक्वेशन सेकंड, इसको ना बोल करके, इसको इक्वेशन नंबर वन और इसको सेकंड बोल देता हूँ। बात समझ में आया? इतनी बात आपको पक्का तरीके से समझ में आ गई होगी। ये फॉर्म आपको अपनी लिखनी पड़ेगी ए की, क्योंकि ए की वैल्यू ही सॉल्व करानी, क्योंकि अपन ने गलत माना है रूट टू को, रेशनल माना है। अब गलत चीज़ को गलत सिद्ध करना है, तब जाके सही चीज़ निकलेगी कि रूट टू क्या है, इरेशनल। रूट टू को रेशनल नहीं करना है अपन को प्रूफ, अपन को प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन उस चीज़ को जो माना है उसको गलत सिद्ध करना है अपनी तरफ से। बात समझ में आई? तो इस ए की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, इसको मार कर ये खराबी है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, नहीं इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ए की जगह यहाँ पर, तो 2c का होल स्क्वायर इजिकल टू 2b स्क्वायर, तो ये हो गया 4c स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये 2 से 2 काट दो, 2c स्क्वायर इजिकल टू 2b स्क्वायर, देन b स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ, इक्वेशन थर्ड देखो और इक्वेशन फर्स्ट देखो। यहाँ से तुम्हें इंडिकेशन आ रही थी कि ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा था, ए स्क्वायर को। ऐसी हुआ हो ये इक्वेशन आ गई कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। अब यहीं से तुम्हारा दिमाग पलट जाना चाहिए कि हमने ए और बी को क्या माना है, को प्राइम, मतलब ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है। ए और बी का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, मतलब ए और बी किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से। लेकिन यहाँ तुम ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, ध्यान से जूमिंग कर सकते हो तो जूमिंग करो,
कि यहाँ टू किसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो टू डिवाइड किसको कर रहा है बी स्क्वायर को। यहाँ मतलब एक और यहाँ फंडामेंटल लेकर के आ रहा है कि वन ही फैक्टर नहीं है, इसको ध्यान से समझ भाई। लिखने की जो फॉर्म होती है, डिवीजन की जो फॉर्म होती है, वो ऐसे ही होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, कि ये जो टू है अब वो किसको डिवाइड कर रहा था यहाँ ए स्क्वायर को, तो टू किसको अब डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। तो यहाँ टू ए को भी डिवाइड करेगा और टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने क्या माना है कि वन ही ए और बी को डिवाइड कर रहा है, हमने क्या माना है ओनली वन ही ए और बी को डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ निकल के ये आ रहा है कि टू की रिश्तेदारी ए के साथ भी है, टू की रिश्तेदारी बी के साथ भी है। हमने माना सिर्फ ए और बी की रिश्तेदारी, मतलब को फैक्टर्स, सॉरी फैक्टर ओनली, क्या ए और बी के कॉमन फैक्टर्स ओनली क्या है वन। लेकिन यहाँ इक्वेशन सेकंड और थर्ड से निकल के आ रहा है कि ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर है, यानी कि एक और रिलेशनशिप में बंधा हुआ है ये आदमी, बात समझे। इसको मैं ऊपर वाली दो लाइन में डाल देता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा देन, अब लिखने का कोई बचा ही नहीं, पकड़ा गया आदमी, ए और बी की यहाँ रिश्तेदारी वन के साथ थी, लेकिन यहाँ ए और बी की रिश्तेदारी किसके निकल किसके साथ आ रही है, टू के साथ भी निकल के आ रही है। हमने अब समझा कि वन के साथ है बस उसका कॉमन फैक्टर, इसकी रिलेशनशिप तो ए और बी की टू के साथ भी मिल रही है, तो क्या लिखेंगे देन बाय इक्वेशन कौन सी भाई, या ये ना लिख करके मैं लिखूँगा देन, या दोबारा से लिखूँगा टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, टू किसको डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। अब कैसे हो रहेगा देन टू डिवाइड्स बी, टू डिवाइड्स किसको कर रहा है बी, सो ए एंड बी हैज मोर देन, या लिखेंगे ए एंड बी हैज एनोदर कॉमन फैक्टर, एनोदर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन, वन के अलावा भी ए और बी पे क्या है कॉमन फैक्टर, ए एंड बी हैज एनोदर कॉमन फैक्टर अदर देन वन। बात समझ में आया नहीं समझ में आया, या लिख सकते हो टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन वन, वो स्टेटमेंट थोड़ा सा सही लग रहा है, ये ना लिख करके वो लिखेंगे टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन वन। बात समझ में आई, यानी कि हमने ए और बी की जो वन कॉमन फैक्टर था और यहाँ शो कर दिया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर भाई टू बी है, मतलब वो ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, उसका कॉमन फैक्टर वन के साथ साथ टू बी आ रहा, तो वो को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। बात समझ में आई, ये वाली लाइन में मैं डाल देता हूँ, ये वाली लाइन में आप लोग गलती करते हैं, आप यहाँ ये लिखना भूल जाते हैं ए और बी क्या है को प्राइम नंबर्स, ये एक नंबर आपका या आधा नंबर आपका कट सकता है, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट है उसके 99 आ रहे थे, या बोल दूँ मैं 20 में से 19 आ रहे थे 19, बात समझ में आया, इस आधे नंबर की वजह से उसके 18.5 आए, तो ये ध्यान से रखेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको को प्राइम नंबर नहीं लिखेंगे तो मानेंगे कैसे। ओके इतनी बात समझ गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ अब, मतलब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, जब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है तो पी और क्यू भी क्या नहीं है रेशनल नहीं है, जब नीचे की सिला ख़राब है तो ऊपर की सिला भी खराब ही होगी, नीचे मंजिल ख़राब हो रही है तो ऊपर की मंजिल ख़राब है। हमने क्या माना था पी एंड क्यू, क्या माना था पी एंड क्यू को क्या माना था इंटीजर्स, ए एंड बी को प्राइम नंबर, मतलब जब तो ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है तो पी और क्यू भी क्या नहीं हुए रेशनल नंबर नहीं हुए, तो मैं लिखूँगा इट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है गलत सिद्ध कर रहा, गलत हो रहा, इट कॉन्ट्राडिक्ट सिद्ध करना नहीं गलत हो रहा, या रॉन्ग भी लिख सकते हैं, इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजप्शन, अजप्शन माने जो माना है हमने लेट किया, इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजप्शन दैट, क्या था हमारा अजप्शन क्या था दैट रूट टू इज रेशनल, हमारा अजप्शन यही था। लेकिन इससे बात निकल के ये आई कि जब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं हुए
तो पी एंड क्यू इंटीजर्स नहीं हुए तो रूट टू भी रेशनल नहीं हुआ. सो वी कंक्लूड रूट टू इज इरेशनल. बस एक स्टेप और समझेंगे, कहानी में यही खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है ना. डीप में अपन बहुत चले गए लेकिन बढ़िया बात है. बस ए और बी को कोप्राइम नंबर माना आपने, जैसी मानोगे एक इक्वेशन आई ए इज इक्वल टू वी अपॉन रूट टू, ऐसी कोई इक्वेशन आई थी ए इज इक्वल टू वी अपॉन रूट टू, या ऐसी थी ना, क्या थी ये इक्वेशन थी रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी. तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालो बस बी रूट टू, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग करके बाद फिर इक्वेशन लगा वही वाली कि टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो टू किसको डिवाइड करेगा ए को. वहाँ से एक और इक्वेशन आई ए इज इक्वल टू टू सी. यही इस चैप्टर की मतलब इस थ्योरम की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. यही जा करके हम बी में लगाते हैं स्क्वायरिंग वाले में. यही बताती है कि भाई जो कॉमन फैक्टर है वो टू भी है. तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा, तो पढ़ते रहिए और